हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय होम स्टाइल कुकिंग। जब कुछ अच्छा टेस्टी खाने का मन करे तो रेस्टोरेंट क्यों जाना, घर को ही रेस्टोरेंट बनाते हैं ना। टेस्टी टेस्टी खाना घर पर बनाते हैं। आज हम बनाएंगे खूब सारी परतों वाला लच्छा परांठा और पनीर भुना मसाला, कम टाइम में, कम खर्च में और पूरी फैमिली के साथ इंजॉय करेंगे। इसके लिए लिए हैं 2 प्याज, 10-12 कलियाँ लहसुन की, 1 छोटा टुकड़ा अदरक, इसे ग्राइंड कर लेंगे। कुछ खड़े मसाले लेंगे, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, 1 तेज पत्ता, 1 दालचीनी की स्टिक जिन्हें मैं 2-3 टुकड़ों में मैंने तोड़ लिया है। अब ली है कढ़ाई, इसमें डालेंगे 3-4 चम्मच ऑयल। ऑयल गर्म हो जाए इसमें डालेंगे खड़े मसाले और साथ ही डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा का। इन्हें अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भून लेने के बाद इसमें ऐड करेंगे प्याज, अदरक, लहसुन का जो पेस्ट रेडी किया था उसे भी अच्छे से भूनेंगे जब तक कि वो ब्राउन ना हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी इजी टेस्टी रेसिपी के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब लिए हैं, जब तक मसाला भून रहा है, 2 टमाटर लिए हैं। इसमें से 1.5 टमाटर, 1.5 टमाटर मैंने ग्राइंड किया है। 1/2 टमाटर को उसका पल्प निकाल दिया है, क्यूब्स में कट कर लिया है। 1 छोटा अनियन भी कट कर लिया है और 1 शिमला मिर्च को भी कट कर लिया है। अब मसाला में प्याज ब्राउन हो चुके हैं अच्छे से। अब जो हमने टमाटो प्यूरी रेडी की थी वो भी प्याज में ऐड करेंगे। साथ ही ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस, जैसे स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, मसाला अच्छे से भूनेंगे। मसाले से जब ऑयल अलग हो जाए तो इसमें डालेंगे 2-3 चम्मच घर की मलाई। आप मार्केट वाली क्रीम भी डाल सकते हैं। मलाई डालने के बाद 2 से 3 मिनट और भूनेंगे ताकि मलाई अच्छे से पक जाए और अपना घी रिलीज़ कर दे। तब तक दूसरी साइड एक पैन लिया है, उसमें 2 चम्मच ऑयल और 1 चम्मच घर का बना वाइट बटर डाला है और सभी सब्जियां जो हमने कट कर कर रखी थी उन्हें उस घी में डाल दिया है। इसे हाई फ्लेम पर हमने करना है सॉटे, लो फ्लेम पर नहीं करना है। लो फ्लेम पर सब्जियां पानी छोड़ देंगी, हाई फ्लेम पर वो अच्छे से सॉटे हो जाएंगी, उनमें क्रंच बना रहेगा, एक बाइट बनी रहेगी। उसमें कुछ ऐड कर देंगे काली मिर्च का पाउडर 1/2 छोटा चम्मच की करीब, 1/4 चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे और बहुत थोड़ा सा नमक डालेंगे। साथ ही हमने इसमें पनीर के क्यूब्स भी ऐड कर दिए थे और इसे अच्छे से भून लेंगे। मसाला अच्छे से भून चुका है, उसमें से तेल अलग हो चुका है। उसमें सभी सोटे की हुई सब्जियां डालेंगे, अपनी ज़रूरत के अनुसार पानी डालेंगे। सब्जी आपको गाढ़ी पतली जैसी भी पसंद हो उस अकॉर्डिंग पानी ऐड कर लें और 5 से 7 मिनट पकाएं। उसके बाद इसे कसूरी मेथी और मलाई के साथ सर्व करें। जब तक सब्जी रेडी हो रही है हम बना लेते हैं गर्मा गर्म खूब सारी परतों वाला लच्छा परांठा। इसके लिए कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो डेली हम रोटी के लिए, चपाती के लिए आटा लगाते हैं उससे एक बड़ा पेड़ा लेंगे, उसे बड़े साइज में बेल लेंगे, उसे नाइफ की सहायता से लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काट लेंगे। उन पर खूब सारा घी या बटर अप्लाई करेंगे। आप चाहें तो ऑयल भी अप्लाई कर सकते हैं, जो आप खाना पसंद करें उसे लगाएं। उसके बाद उस पर सूखा आटा डालकर इन सभी लेयर्स को एक साथ इकट्ठा कर लेंगे, एक लंबी लोहे की शेप में कर लेंगे। इस लंबी लोहे को खींच कर हल्का हल्का राउंड शेप में कर लेंगे, घुमाते हुए राउंड पेड़े की तरह कर लेंगे, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल ऐसे करना है। आप एक बार में ही बहुत अच्छा पेड़ा बना लेंगे। अब इसे राउंड राउंड करते हुए एक पेड़ा रेडी हो जाएगा। इस पेड़े से आप मीडियम साइज के, बड़े साइज के या बहुत छोटे छोटे परांठे, मैंने इससे छोटे छोटे बन परांठे रेडी किए हैं और आप इससे खूब एक बार में पेड़े करके रेडी करके रख दें और परांठे बेल कर रख दें। जब खाना हो तो 1 या तो 2 तवे रखें अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग और इसे 5 से 7 मिनट में गर्मा गर्म सेक लें। इसे हाई फ्लेम पर नहीं सेकेंगे, लो फ्लेम पर सेकेंगे, नहीं तो इसकी परत जो अंदर से होंगी वो कच्ची रह जाएंगी। अगर आप बन परांठा रेडी कर रहे हैं तो इसे लो फ्लेम पर सेकेंगे, अलट पलट करके घी बटर अप्लाई करेंगे, गर्मा गर्म यमी यमी फूड सर्व करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ। बाय बाय।